जी मम्मी, आपने उड़ाया। रायान, फाइज की बदतमीजी और सरकशी क्या काफी नहीं थी जो तुम भी वही जबान बोलने लगे हो? क्या मतलब? आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्या कह रही हैं। मुझे ज्यादा वजाहतें देने की आदत नहीं है, इसी साफ अल्फाज में दो टोक तुम्हें पूछ रही हूं कि तुम्हारी बीवी आजकल किन हवाओं में उड़ रही है। उसके तो मिजाज नहीं मिल रहे, आंखें माथे पर रखी हुई है उसकी, बात इस तरह करती है जैसे कमान में से तीर निकल रहा हो। तुम्हारे डैडी की कभी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे इस अंदाज में बात करें जिस तरह वो कर रही है। मिसेज अनवारो के सामने जिस तरह से वो बोली है, वो मुझे पता क्या कह रही थी कि ये लड़की किसी पीछे बड़े खानदान की तो नहीं लगती, क्योंकि बात करने का अंदाज बहुत आमियाना है। मम्मी, मैं जिस फैमिली से हूँ उससे आपकी या मिसेज अनवारुल हक की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मम्मी ने मुझे बताया एग्जैक्टली आपका बैकग्राउंड क्या है। बकवास बंद करो, अपनी हद में रहो। मम्मी, माइंड योर टोन, मेरी बीवी से बात कर रही हैं आप। वैसे भी मैं किसी अननेसेसरी ड्रामा में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करती, और हम कनाडा शिफ्ट होने की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, इसलिए हमारे बीच में कोई बदगुमानियाँ और इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश मत करें, आप फेल होंगी। ये किस अंदाज़े बात रखी गई है मुझसे, और तुम खामोश खड़े तमाशा देख रहे हो? ठीक ही तो कह रही है मम्मी। I don't see a future for us in this country. और वैसे भी डैडी का बिजनेस तो वैसे ही एक डूबते जहाज की तरह है। और तुम डूबते हुए जहाज को छोड़कर जाना चाहते हो किसी चूहे की तरह। ठीक है, आपने जो समझना आप समझ लें, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। डैडी से तो यह बात मैं पहले भी कर चुका हूं, अब मैं आपको भी बता रहा हूं। सोच लीजिएगा इस बारे में, और हां, उम्मीद है कि मेरे बेहतर मुस्तकबिल के रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालेंगे आप लोग। मैं जिस फैमिली से हूँ उससे आपकी या मिसेज अनवारुल हक की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मम्मी ने मुझे बताया एग्जैक्टली आपका बैकग्राउंड क्या है। बकवास बंद करो, अपनी हद में रहो। मम्मी, माइंड योर टोन, मेरी बीवी से बात कर रही हैं आप। वैसे भी मैं किसी अननेसेसरी ड्रामा में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करती, और हम कनाडा शिफ्ट होने की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, इसलिए हमारे बीच में कोई इख्तलाफात और बदगुमानियाँ पैदा करने की कोशिश मत करें, आप फेल हो जाएंगे।